हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि आप कम प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना एवरीडे का मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेकअप से पहले फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। फेस मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायो ऑयल, क्योंकि ये मेरी स्किन को ऑल डे लॉन्ग मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करके रखता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बनाता है। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का बेबी लिप्स, क्योंकि लिप्स को भी मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करना मस्ट है। डायरेक्ट बेस मेकअप के लिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, क्योंकि आज का मेकअप मैं मेरा कंसीलर यूज़ करके ही करूँगी। और इसमें मेरा शेड है 25 और कंसीलर के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी कंसीलर। यहाँ पर मैंने कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो बायो ऑयल अपनी स्किन पे अप्लाई किया हुआ है वो आपकी स्किन को या मेरी स्किन पे प्राइमर की तरह भी काम करता है। वो स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ और एकदम क्लीन सरफेस की तरह भी बना देता है, जिससे मेरा मेकअप ईजिली मेरे स्किन पे ग्लाइड होता है और ब्लेंड भी बहुत ईजिली होता है। तो मैंने यूजली उन्हीं प्लेसेस पे कंसीलर को अप्लाई किया है जहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी सी अनइवन है, जैसे कि माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, या फिर अंडर आई सर्कल, या अपर आईलिड पे, या फिर फॉरहेड पे। अब उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे मुझे डिज़ायर कवरेज मिल जाए। मैंने कंसीलर को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ज़्यादा अनइवन नहीं है, या फिर मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है, या डार्क स्पॉट भी नहीं है, तो मुझे इतनी कवरेज की नीड नहीं है। बट अगर आपको कवरेज की नीड हो तो आप एक्स्ट्रा कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ये आपको मीडियम टू हाई कवरेज देता है। वो भी आप इसे ईजिली अपने चाहे फिंगर से ब्लेंड करें, या फाउंडेशन ब्रश से, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से। बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर, जो कि है लैक्मी का रोज पाउडर, और इसे मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और अपने फेस मेकअप को अच्छे से सेट करूँगी। ये पाउडर ब्रश मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, जो कि बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है। अपनी आईज़ को हल्का सा डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेके अपनी पूरी आईलिड पे उसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। याद रखिएगा कि आप जब भी अपनी आईलिड पे कोई भी आई शेडो अप्लाई करें तो पहले एक मैट आई शेडो को अपनी पूरी आईलिड पे या अपने क्रीज एरिया में अप्लाई करें, उसके बाद ही किसी भी सिमरी शेड या फिर किसी भी और शेड को अपनी आईलिड पे अप्लाई करें। हमेशा आई शेडो को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई करें और उसे अच्छे से ब्लेंड करें। आपको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम लेके आप अपने आई शेडो को प्रॉपर ब्लेंड ज़रूर करें। जब तक आपका आई शेडो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, तब तक वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी आईलिड पे ऐसा पाएंगे कि अगर आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है तो आपकी आईलिड पे पूरा हार्श लाइन बन जाएगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से टाइम लेके अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट से मैं एक शिमरी शेड लूंगी और उसे अपनी फिंगर की हेल्प से पूरी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। जब मुझे डिजायर कलर मिल जाएगा तो मैं उसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट करूंगी। आप चाहें तो किसी भी सिमरी शेड को ब्रश की हेल्प से भी अपनी आईलिड पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने ब्रश को हल्का सा वेट करना है। उसके बाद अगर आप किसी भी सिमरी शेड को पिक करते हैं तो आपका जो ब्रश है वो बहुत अच्छे से कलर को पिक करता है। यहाँ पे मैं अपने आई शेडो को थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी, जिससे मेरे दोनों आई शेडो जो हैं, जो क्रीज में मैंने अप्लाई किया है और जो सिमरी शेड है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएं। यहाँ पे मैं हल्का सा कंसीलर और लूंगी और अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे, जस्ट नीचे ही उसे अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा अभी डार्क दिख रहा है।
मैंने जितने भी यहाँ पे स्टेप किए हैं, आई शेडो है या फिर जो भी स्टेप हैं, आप इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सभी स्टेप ऑप्शनल हैं। यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, एक पॉइंटेड फ्लैट ब्रश की हेल्प से सेम आई शेडो, सेम ब्राउन आई शेडो को अपनी लोअर वाटर लाइन के करीब भी लगा रही हूँ। काजल के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल और इसमें मेरा शेड है ब्लैक, जिसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से थोड़ा सा थिक काजल अप्लाई करूँगी और उसके बाद अपनी जो अपर आईलिड है उसे भी टाइट लाइन करूँगी, जिससे मेरी आईज थोड़ी सी फुलर और बड़ी दिखें। उसके बाद मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन द हाइपर कल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा और इसमें मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लिया है, इसमें मैंने जो लिया है वो है वॉशेबल मस्कारा। उसके बाद मैं इसे अपने लोअर एंड अपर दोनों आईलिड पे, आईलैशेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जिसमें मैंने मस्कारा अप्लाई किया है जिस आई में और जिस आई में मैंने मस्कारा नहीं अप्लाई किया है, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये आपकी आईलैशेस को अच्छे से कर्ल करता है और उस कर्ल को काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड करके भी रखता है। तो अगर सेम आई शेडो पैलेट से मैंने हाइलाइटिंग शेड लिया है और इससे मैं अपनी दोनों आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी, जिससे मेरी आईज थोड़ी सी बड़ी दिखें। फेस को कंटूर करने के लिए मैंने यूज किया है सिवाना ब्लश पैलेट का कंटूर शेड। ब्लश के लिए भी मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ, सिवाना ब्लश पैलेट, और इसमें से पीच एंड पिंक कलर को मिक्स करके मैं अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करूँगी, जिससे वो पिंकी ग्लो मेरे फेस को मिल सके। सेम ब्लश पैलेट का हाइलाइटिंग शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के हाई पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि नोज़ या फिर चिन एरिया या फोरहेड या आपके आईज के नीचे। ओवरऑल मैं अपने फेस के सभी हाई पॉइंट को हाईलाइट करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेवलॉन की लस्टीरियस लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 725 किस्मी कोरल और इसे मैं अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद की लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक, होप मेरा ये लुक आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक